जी इंडियन आइडल में मैं जब आया तो उस टाइम तो मेरा नाम खाली सनी था। उसके बाद फिर एक दो एपिसोड होने के बाद अनु मलिक सर को, पूरे जजिस को मेरा गाना बहुत अच्छा लगा, तो बहुत सारे लोग मुझे प्यार देते थे, इंडिया की पूरी जनता मुझे प्यार करती है, तो इस वजह से उन्होंने मेरा नाम सनी हिंदुस्तानी रख दिया और ये अनु मलिक सर ने मेरा नाम रखा था। बहुत छोटा था तो 7 साल की उम्र थी मेरी, मैं जब पहली बार सुना तो मैं तो रो ही पड़ा था, इतना ज्यादा डूब गया था उनके म्यूजिक में। इस म्यूजिक लाइन में आ गया और म्यूजिक लाइन से मुझे नहीं पता था कि वो एक ऐसा वक्त आएगा और मैं फिर इंडियन आइडल बन जाऊंगा और लोगों का इतना प्यार मिलेगा, तो ये मैंने सोचा नहीं था। बाकी मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं उनके जैसा हूँ या कभी बन भी सकता हूँ या उनकी खुशबू मेरे अंदर से आती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं तो छोटा मोटा इंसान हूँ, उनको पूछता हूँ और वैसे ही बस थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। 1974 ऐसे बहुत ही पुराने, मतलब इतना पुराना टाइम और इतने पुराने गाने, बहुत पहले के गाए हुए गाने जो एक तबला और हारमोनियम पे गाते थे, और उनकी खुशबू और उनका जोश उन गानों का, उनकी फील अभी तक लोग महसूस करते हैं और अभी तक ऐसे सुनते हैं कि अभी अभी सॉन्ग आया रिसेंटली, कि अभी अभी सॉन्ग आया, कल ही रिलीज हुआ है। ऐसे जब भी मैं भी सुनता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि बस ओ माय गॉड, मतलब ये क्या सॉन्ग है, भूल ही नहीं सकते। और आज वो रीमेक होकर लोग सुन रहे हैं। अजय अतुल जी भी आए थे हमारे एपिसोड में, जो अभी अभी मैंने गाना गाया रश के कमर, ये उस एपिसोड में मैंने गाना गाया था, तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था। और वो मुझे बहुत ही पसंद है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो अजय अतुल सर, वो गाते भी हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने मुझे एक हारमोनियम गिफ्ट किया था, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा मोमेंट था। और बहुत, जब से वो हारमोनियम मिला उसके बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई और बहुत सारे गाने मुझे मिले बॉलीवुड के, और मैं विनर भी बन पाया उस हारमोनियम की वजह से, थोड़ा बहुत बजाना भी सीखा मैंने। तो वो जब आए थे तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे घबरा गया था कि क्या होगा, कैसे होगा, कि बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो मैं कैसे गाऊँगा। बस जैसे तैसे हुआ, जब माइक मेरे हाथ में आता सब कुछ भूल जाता हूँ मैं। उस टाइम कोई ऐसे टेंशन या स्ट्रेस नहीं होती या होपलेस नहीं होता, तो बस हो गया। बस वो एक मोमेंट था जो जब अजय अतुल सर आए, और जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ वो है ए आर रहमान सर। सभी के साथ करना चाहता हूँ लेकिन ए आर रहमान के साथ, सर के साथ मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। स्टार विला टीवी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो सारी यादें जो इंडियन आइडल की जर्नी के बारे में आपने मेरी बात की और मेरे गानों की, मेरी फीलिंग की, उस सारी बातों के लिए थैंक यू सो मच स्टार विला टीवी।